टायर के नीचे भैया ये गिर गया था बेचारा, सुबह ट्रैक्टर उठ गया, वहां खड्डी थी इससे बिल्कुल इतना। तब तो सारे खामोश हो गए थे, भाई क्या हो गया था, भाई क्या हो गया था ये अचानक से। टाइम का लिमिट होती है, टाइम की टाइम टाइम को अचीव कर सकता है वो, कुछ भी मन में कुछ भी धारणा कर लो वो पूरा होगा ही। जो चीज आपने आपके बजट से बाहर ले ली, 10 गुना बजट से बाहर ले ली, एक मनपसंद कुछ भी है ना बिजनेस में, वो आपको 10 गुना नीचे लेके जाए। वही कारण बता रहा हूँ, फेल नहीं होना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। नहीं डाले जी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सुबह सुबह भाग जाए जी दिल्ली की तरफ, 3:45 जी, आज तो लेट हो गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। भागते हैं, बाहर निकाल के ले आए हैं जी। तो पूरा भीग गया मैं तो, और बॉर्डर पे बूंद भी नहीं है एक भी। फाटक पार करके बड़ा हूँ, एक बूंद भी नहीं है दिल्ली में, एक बूंद भी, वहीं वहीं भीज लिया सारा। आगे रुका हूँ, लेबर वाले लेके जाएंगे यहाँ से, बारिश शुरू होगी यहाँ पे खड़े होते ही। और अब तो वही चौमासा है, अब तो लगातार बारिश ऐसी ही चलेगी दिन रात, कभी होगी कभी बंद होगी कभी खुल गई, तो देखते हैं कितने देर में आएंगे। एक ही जगह लगेगी, देखते हैं जी, दिखाते हैं कहाँ लगेंगे। और भी तेज होगी, बाका आ जाओ बाका। 3 बंदे आए हैं, लगेगी कहाँ भाई है यहाँ पे। कस्सी पड़ी है, कस्सी सब भी ले आनी थी भाई, बदरपुर का थोड़ा पैर मार ले बस, वहां लगा दे संतोष। अरे यहाँ कुछ आएंगे, जय बजरंगबली जी महाराज। यहाँ पे लगाई हुई है पहले इस बिल्डिंग के, 5-6 महीने पहले उबड़ खाबड़ सी गली है और बारिश लगातार जा रही है। जी घुसा दिए और लगा दिए, बारिश लगातार जा रही है। हाँ 6 आ जाएंगे भाई, संतोष सही है। बस देख ये काट ले, बस ये बदरपुर ऊपर घेर दे, बस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। नाली भी छोड़ दी एक उसकी बल्कि, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नाली तो रोड पर ला ले, ऊपर डाल ले, ऊपर रेते में ऊपर डाल देना इस पे, और उधर तक लगा लगा ले, फिर लगा ले। ये बारिश बंद लगे हुए हैं लड़के लोग, गटर में बैठ के होती है इधर, आंट लगा के बड़ी मुश्किल से रुक के। क्या हुआ था मैं? तू यहाँ बैठा था पहले, तो वहां बैठा था आगे, इससे पहले बैठा था, फिर तू इसके बाद में बैठ गया ना, वहां से उतर गया, फिर यार ट्रैक्टर जब उठे आगे था फिर भी चढ़ा नीचे ना। तो मैं चक्का तो नहीं गया, मैं उधर चला गया, अंदर में नहीं है, मोबाइल अंदर चला गया। तू ना जब मैंने देखा ना यहाँ, जब तू यहाँ पर नहीं था, जब तू वहां था टायर के नीचे भैया ये गिर गया था बेचारा, सुबह ट्रैक्टर उठ गया, वहां खड्डी थी इससे बिल्कुल इतना सा बचा है, एकदम स्पीड से निकल गया, एकदम पता भी नहीं चला। संतोष गया था तेरा साला, आ जाए तेरी घरवाली जीना तो ऊपर कर दी तेरा। फोन तो छोड़ दिया इसने, बच गया बेचारा सुबह सुबह, ट्रैक्टर उठा एकदम से खाड़ी थी,
एकदम से उठने की वजह से ये पहले तो आगे बैठा था फिर ये पीछे बैठा था, उतर के वहाँ बारिश में रुके हुए थे, साइड दिखाने वाला आ रहा था, वहाँ पर 5 मिनट वेट करी थी हमने, बारिश आ रही थी और जब साइड में लेके आया तो वहाँ पे खड्डी की पुड़ी जैसी थी। जब एकदम से चढ़ा ट्रैक्टर उठ गया आगे से, और मैं हमेशा बोलता हूँ इनको कि भाई पकड़ के बैठा करो, और ये कुछ चिकना हो रहा था ट्रैक्टर, पानी लगा हुआ था, फिसलन थी एकदम अचानक से फिसला, ये तो मेरे को दिखा ही नहीं, जब दिखा तो ये टायर के आगे था जोड़े, ट्राली के जोड़े के आगे, दोनों टायरों के आगे, ये तो स्पीड से निकल गया। और फ़ोन को इसने हाथ से छोड़ दिया, फ़ोन था हाथ में, फ़ोन नहीं छोड़ा इसने, फ़ोन को छोड़ दिया यार, फ़ोन को तो इसने याद ही नहीं रखा कि भाई फ़ोन है, बस ये खुद निकल गया, फिर फ़ोन भी बच गया टायर के नीचे, टायर के नीचे हाथ में फ़ोन था और दोनों स्पीड के साथ में, फिर ये टायर के आगे मैंने स्पीड के साथ में निकलता देखा कि भाई हाँ निकल गया, ट्रैक्टर तो बाद में रुका है, जब ये निकल गया था बाहर एकदम अचानक से पता भी नहीं चला, और स्पीड में ट्रैक्टर रुकता ही नहीं है, तो ट्रैक्टर तो बल्कि पहले गियर में था बिल्कुल आराम से, अगर स्पीड में होता तो फिर ही दब जाता, लेकिन जब एकदम से चढ़ा तो तब स्पीड होती है, लेकिन फिर ये निकल गया, फिर रुका ट्रैक्टर एकदम से अचानक से, ब्रेक मारे मैंने, मगर वह बच गया, किस्मत तेज थी वही, बालाजी महाराज गली में इंटे उतरने बजरंग बली जी महाराज ने बचा दिया इसको तो बचाया, मेरे को ही बचाया, सबसे पहले तो मेरे को बचाया। अब हंसी आ रही है बताते हुए, नहीं तब तो सारे खामोश हो गए थे, भाई क्या हो गया था, भाई क्या हो गया था ये अचानक से, खाली हो गया बाहर निकाल रहे, ये बंदा था भाई, ये बच गया बेचारा, अरे पूरी भीड़ हो रही है, पूरियां खाई हैं जी कल तो खाने में, बढ़िया अच्छी देख रहा है कल तो खाने ने बुरा हाल कर दिया था, आज पूरियां खाई हैं, चलते भागते हैं जी, तो सीधा पहुंचे जी बट्ठे पे, पहले ही नंबर अपना लग गया, रात लगा दी भरने के लिए, क्या भरा गया इसमें मुलब्बा, इब्बे तोड़ी है लगा, अपनी लग गया अति भरने के लिए, पहला ही नंबर था, और ठंड हो रही है, सफाई पे लगे हुए हैं बच्चे लोग, दिनेश गल्ले हट गया देख, ऑपरेटर तो शर्माता भी ना तू शर्मा इस तो पहला, ए ए ये देखो ऐसे ही पकड़ा जाता है, हां अरे ऐसे भी ऐसे भी, अरे इसके में सांप भी हंस गए, वो ऐसे उठा के इसका बोदा नहीं है चाली में उठाने का भाई, हां इसका बोदा नहीं है चाली उठाने का, देखो सारी उठा देने, वो छह सात के साथ, देखो मर गया जी निकट गया। हेलो जी, आते ही भरने शुरू हो गई है, ठंड हो रही है वैसे ना, पत्ते ही लग गए, वो कह रहे हैं कि भाई लगा दे बस अभी भर देंगे, 10 बजने में भी 2 मिनट बाकी हैं अभी भी, इंस्पेक्शन टीम आई हुई थी जो निरीक्षण कर रही है भट्ठों का कि भाई कितने दिन और चला रहे भट्ठे को, आज 4 होगी, कल 5 तक की डेट है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब चालान भी कर सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट है भाई, एक फॉर्चुनर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 डिज़ायर थी स्विफ्ट डिज़ायर, 3 गाड़ियां थी, पूरी टीम थी, मैंने फिर फ़ोन करके बताया मैं ऐसी ऐसी बात है जी, फिर ये एक्टिव हो गए तुरंत भागे हैं, फिर ये एक दूसरे इधर उधर बाइक उठा के जी जुटे पड़े हैं, बे बता तो दे मन कैसे चल लगी, अरे मैं बताऊँ आ जा फिर इधर बैठ भी उड़ बैठ के दूंगा तेरा आके फोन, विजय सी भी चलाऊंगे स्टार्ट कराओ, चलो भाई कुछ नहीं दाबना ना कुछ नहीं, ये भाई मेरे मशीन आज चलाएंगे जैसे भी इसने, हां अपने तरफ, हां और ब्रेक कौन से है, हां दोनों ब्रेक है, दोनों ब्रेक है, ये दोनों ब्रेक है, दोनों काम करना है, ये भाई लोडर उठ रहा है, और उसका मुंह ऐसे अंदर कैसे, ठीक है वो गियर गाल भाई, इधर मेरे साइड वो इस दाब दो,
गियर का दो भाई पूरा हो लिया। हाँ अब इसको एक दो एक एक पैर है ना भाई चलाओ चलो रेस दो भाई ये चला रहे मशीन ये देखो ठीक है भाई बहुत अच्छे कलच भी दूसरे गियर में है पहले में दूसरे में है पहले में पहले है मीटर है ऑटोमेटिक गियर बैक गियर डालो यहाँ से उसमें कुछ नहीं करो इसको बैक पीछे खींच लो बस 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 चलो कितने ले देनी है छोटा छोटा ये भाई खाना है आगे लग गया बस हो गया बंद भाई इंटरव्यू दे होगा कुछ इंटरव्यू कुछ ना भाई ऑटोमेटिक है तो बढ़िया है कलच बगैर कलच की है ठीक से फिर ये दोनों अलग अलग ब्रेक है दोनों टायर आगे ये रेस है और गियर है इसमें पांच पांच गियर है और ये वो कट गए सिस्टम है ये वो मीटर है इनका जो भी है पर इसका एक दिन में आ जाएगा इसके पैसे ना अच्छा दम ना पकड़ने पड़ेंगे ऐसे पकड़े क्या नवन अच्छा आ गया आप करो फिर से कर लेंगे नहीं यार न्यू कर लेंगे हाँ और इस्ते पुरला ऊपर ना जाओगा बाहर खुल गया बच गया ना बंद करो आप बस अब बंद कैसे करोगे करो आप कर दिया अरे वाह चला नहीं आगी भाई आपको नहीं मैंने अंदाजा तो है ना फिर मतलब वो जोर की मारा था इसने बॉकेट बंद करो बॉकेट बंद करो ना नो को नहीं होगा कैसे आराम से आराम से प्रेशर पड़े नहीं देगा बस एक तो पटक गया तू तो ले भाई सीख गए जेसीबी भी आप पता है लरे देर दिन का तू चला बढ़िया भाई ऑटोमेटिक नहीं है बिल्कुल फ्रेश वाली लवी गैस नंबर पॉलिथीन लगा दी और वी शेप की बना दी हुई नाला है इसको बोलते नाला दोनों ज्वाइंट कर दिया एक दूसरे में और दीवार लगा दी बंद कर दिया बिल्कुल गैस नंबर है इसलिए पॉलिथीन लगा रखी है एक गार बना रखी है इसको लेप के फिर पॉलिथीन लगाइए बाटम में बस तुम और 2 बजे हुए दिन से ही आज तो काम अंदर दिखा देता हूँ बस ये बंद कर दिया कल से इसमें नहीं लगेंगे ये निकासी करने के लिए अगर मालिक ने फोर्स किया फिर तो करेंगे निकासी नहीं तो फिर वो टाइलें थोड़ी सी और ये 1 2 3 4 चार चैम्बरों की थोड़ी सी इंटें बची हैं अगर कल नंबर लग गया तो ठीक है नहीं तो बंद कर देंगे मेरे ख्याल से अगर मालिक ने कहा कि भाई निकासी करनी पड़ेगी और चक्कर भी भरेगा फिर भरेंगे नहीं तो बंद हो जाएगा बस फिर चौमासे के बाद में शुरू होगी चलते हैं जी कमरे की तरफ भागते हैं श्री राम हरे राम डीजल करवाया 2010 रुपए का पहुंचे हैं जी कमरे पे पहले नहाते हैं फिर मिलते हैं तो जी एक ड्रेस जो डाली हुई थी वो धो के अंदर ही सुखा दिया और बाहर सूर्य देवता जी महाराज नमः निकले हुए हैं देखो मौसम सुहाना है वैसे ठंड है गर्मी नहीं है धूप की वजह से
कई बार गर्मी हो जाती है, नहीं गर्मी नहीं है। बढ़िया से कपड़े धो लिए और बढ़िया से नहा लिया। अभी तो प्लॉट आधा भी नहीं भरा, काम चला हुआ है मिट्टी पर। आया हूँ जी छत पे, ये क्या हुआ, वही ट्रैक्टर खराब हो गया मेरे ख्याल से। इसमें से खोल के और इसमें से भरा हुआ जोड़ के लेके आया, मोटे वाला है, कोई दिक्कत आई हुई है। तो जी छत पे आ रहा हूँ, धूप है अभी तो 6:30 हो रहे हैं, तो सोया भी नहीं आके, यहाँ पे कपड़े धोए नहाया और फिर ऊपर आ गया। अभी ऐसे ही टाइम निकलता रहा, कभी मोटे के पास बैठ गया, बातें चल रही थी बहुत सारी। तो जानकारी है जी बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, जो 20 से 30 साल के जो मतलब बिजनेस करना चाह रहे हैं, 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे, मेरे जैसे यंग, मैं तो खैर 30 साल का हो गया, जब आप 10 से 20 साल के होते हो वो अलग सिस्टम का दिमाग होता है, जो 20 से 30 साल का सिस्टम होता है वो एक अलग हिसाब होता है उसका। क्योंकि जब मेरे जैसी उम्र होगी ना, जैसे ठोकर खाई फिर उठ गया, ठोकर खाई फिर उठ गया, कहीं से घाटा हुआ उसको पूरा करने के लिए भागे दौड़े सब कुछ करा, तो उसके ऊपर बता रहा हूँ भाई जो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ठोकर खा के ही इंसान बनता है, लेकिन बगैर ठोकर खाए इंसान नहीं बनता। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है इंसान पे कि टैलेंट होता है बंदे में, कोई ना, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं भाई, दुनिया है, हर रंग की, बहुत सारे रंग है दुनिया में बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे ढेर सारी जो खूबियाँ हैं लोगों में ठूस ठूस के भरी होती है। कई बार इंसान गलतियाँ कर देता है, फिर उसको पूरा करता है, फिर उससे सबक लेता है। तो उसके ऊपर बता रहा हूँ भाई, जैसे बिजनेस करना है हमारे को, अब नई उम्र से ही सुन लो, चलो 20 से 25 30 साल के जो नई उम्र है, जो घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, या फिर कोई भी समस्या है के कारण आप बिजनेस, देखो सभी पैसा कमाना चाह रहे हैं, सभी के पास में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो बंदा चाहता है, कि भी गाड़ी हो बढ़िया घूमने के लिए, एरोप्लेन में घूमूं, बाहर जाऊं, टूरिस्ट वीज़े पे कहीं पर भी जाऊं, मतलब गाड़ी अच्छी हो, हर तरीके का घर अच्छा हो, खेत हो, लैंड हो, सब कुछ, प्लॉट हो, दुकान हो, कुछ भी हो, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो भाई उसके ऊपर बता रहा हूँ, सबसे मेन बात ये है, जब भी आपको कोई भी काम शुरू करना है, ठीक है जी, उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको सर्च करना है कि भाई ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पहले आप सर्च करो। और सर्च करने से पहले की बात है जो, वो है जिन लोगों के पास पे आदतें होती है, हैबिट्स होती हैं, आदतें, जो अच्छी आदतें होती हैं वो भाई, वो बंदे अलग ही लेवल क्रॉस करते हैं, बहुत बड़ा लेवल पार कर लेते हैं वो बंदे जिनके पास में, मतलब सुबह उठना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सुबह उठना शुरू कर दो 4 बजे या फिर 5 बजे या फिर 6 बजे, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। अगर आप कुछ न कुछ अच्छी आदतें आपके अंदर डालना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे 3:30 बजे के बाद में बंदे को उठ जाना चाहिए। ऐसा बड़े सियाणे लोग कहते हैं कि भाई 3:30 बजे का जो 3:30 से 4 का जो टाइम होता है, वहाँ पे रोज़ ही बंटती होती है, भगवान मतलब हर चीज़ बांटता है सुबह सुबह, कि भी देखता है कौन सबसे पहले उठा है, कौन टाइम पे उठा है, कौन मेरे को, मेरा नाम ले रहा है। भगवान जी चाहते हैं कि भाई सुबह उठे बंदा, मेरा नाम ले और मेरा नाम लेके पूरा दिन काम करे और फिर सो जाए मेरा नाम लेके सुबह। फिर अच्छा उसके, उस बंदे की हैबिट ये पड़गी ना, एक बार 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ गया, चाहे आप घर पे भी रह रहे हो, चाहे आप बाहर रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हो, जिस बंदे को आदत पड़गी, टाइम आपकी, मेरी और सभी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू है एक टाइम, जो बंदे को कभी मिलता नहीं है, ठीक है जी। मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि आज कुछ ना कुछ ये सोच लो कि भाई ये काम करना था यार, चल कर लेंगे, फिर उसका टाइम आएगा ही नहीं आएगा। अगर काम करना है, उठना है, कुछ भी करना है तो अभी करो भाई, तुरंत से शुरू करो, तुरंत से। तो उसके लेवल में मैं काम की बात बता देता हूँ, बिजनेस की सबसे पहला आपका होगा टाइम, 3:30 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, नाव दो, राम का नाम लो, खाना खाओ, अपने काम पे जो बिजनेस है आपका शुरू करना है या फिर आपने शुरू कर लिया ऑलरेडी,
तो आपने एक टाइम स्पेंड करना है, टाइम को टाइम देना है, आपने टाइम को टाइम देना है कि भाई आप अपने एक घंटा दो घंटे आप सुबह सैर करो, धोक पूजा करो, खाना खाओ, दो घंटे घर पे सुबह उठने के बाद में ऐसा होता है, ऐसा करो। तो उसके बाद में फिर अपने काम पे रूटीन में पहुंचना है 7 बजे 8 बजे या फिर 8:30 बजे 6:30 बजे अगर आपका काम थोड़ा बहुत दूर दराज है, कहीं पर ट्रैवल करके आपको जाना है, बाइक पे जाना है या फिर गाड़ी में जाना है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एक टाइम का लिमिट होती है टाइम की, टाइम को मतलब आप 7 बजे पहुँचे शुरू कर दो, 7 बजे का टाइम रख लेते हैं, 7 बजे अगर आपने पहुँचना शुरू कर दिया तो भाई मतलब उसमें घाटा हो, उसमें नफ़ा हो, उसमें नुकसान हो, उसमें कुछ भी हो बिजनेस में, अगर आपने एक टाइम आपने कवर कर लिया, उस टाइम को आपने कवर कर लिया कि भाई 6 बजे पहुँचना ही पहुँचना है, 7 बजे पहुँचना ही पहुँचना है, कुछ भी हो जाए, कुछ बारिश अंधेरी तूफान बारिश बाढ़ कुछ भी आओ, तो आपने वहाँ पे पहुँचना है, उस अचीवमेंट को अचीव करना है। तो आप पहुँच गए, आपने वहाँ पे जाके अपना बिजनेस संभाला, करा या फिर शुरू करा बिजनेस। बिजनेस का सबसे बड़ा महत्व होता है एक टाइम, जो आप बिजनेस को दे रहे हो कल वही बिजनेस आपको सब कुछ दे देगा जो आपको मन में आपके चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी कुछ भी दे सकता है भाई बिजनेस। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो एक अलग लेवल है, क्योंकि उनकी एक रूटीन है, उनका एक टाइम है, उनका उनके पैसे भी लिमिट के हैं। वही नौकरी करने वाले बुरा मत मान जाना मेरी बात का। तो देखो जी, जो बहुत से लोग होते हैं नौकरी के अलावा भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना बिजनेस डालते हैं, ठीक है, जिनके पास में नॉलेज है बहुत सारी, जिनको पता है कि भाई इस चीज़ से हम आगे बढ़ जाएंगे, नौकरी नौकरी की जगह और बिजनेस बिजनेस की जगह। बहुत से बंदे तो नौकरी के साथ साथ में बिजनेस कर लेते हैं, फिर नौकरी को छोड़ देते हैं, बिजनेस अलाउ करते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे बंदे ऐसे मैंने देखे हैं। चलो ये टॉपिक बंद करता हूँ, बिजनेस पे आते हैं। जब आपने टाइम देना शुरू कर दिया तो वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है जी। बिजनेस ऐसी चीज़ है, बिजनेस की लत जिसे जिनको लग गई, पैसे की लत जिनको लग गई, वो बंदा बहुत ऊंचा लेवल मान के चलो कि भाई हर चीज़ अचीव कर सकता है वो, कुछ भी मन में कुछ भी धारणा कर लो वो पूरा होगा ही होगा। ऐसा मतलब नेगेटिव थॉट तो हमारे को सभी को होते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो नेगेटिव थॉट कम रखना पड़ता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। और जब आप एक्टिविटी ज़्यादा रखोगे टाइम की भी, और जो आपकी अनलिमिटेड जो अपने दिमाग से सोचते हैं उसको अनलिमिटेड रखो कि भाई हम आज ये भी ले सकता हूँ मैं, आज ये भी ले सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ, तो आपका बिजनेस बिल्कुल ग्रो करेगा सही तरीके से जब आप टाइम दे रहे हो। तो उसके बाद में फिर आ गया जो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव वो होता है जो मतलब सोच से परे हो जाता है कई बार बंदे के साथ में। पहली बात तो आपको ऐसा साधन, ऐसी चीज़, ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो आपके बजट से बहुत ज़्यादा बाहर हो। आपका आपके पास 1% है और आपने 10% 10 गुना ज़्यादा आपने उसको ले लिया। कई बंदे सक्सेस हो जाते हैं इस चीज़ में, कई बंदे फेल हो जाते हैं। जो फेल होने वाले वो सुन लो, फेल नहीं होंगे, फेल का एक कारण होता है, वही कारण बता रहा हूँ। फेल नहीं होना है, हमारे को फेल नहीं होना है। फेल भी हो जाओ, एक बार हो जाओ, 10 बार हो जाओ, फिर गिरना नहीं है, फिर अपना जो एक्टिविटी अपनी कम नहीं करनी है, और जो हमारा यहाँ से निकलती है अच्छी बातें ही हमारे दिल में रखनी है, तो ठीक है जी। जो चीज़ आपने आपके बजट से बाहर ले ली, 10 गुना बजट से बाहर ले ली, 1% आपका जो है सर्कल है, ठीक है जी, वो चीज़ ऐसी होगी, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, मकान हो गया, प्लाट हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर साधन हो गया, कोई भी हो गया, हाईवा हो गया, JCB होगी, पोपलैंड होगी, कुछ भी हो गया, तो वो आपने अचीव कर ली, ले ली भाई वो, और वो बजट से बाहर है। जो फेल होना वाला सिस्टम है वो सुन लो, वो आपका जो 1% है वो आपको 10 गुना ज़्यादा सिस्टम आपने सर्कल बना लिया, वो आपका एक गुना है ना जो, इसको तो ख़त्म करेगा ही करेगा जो अचीवमेंट आपने कर ली है, जो आपकी मनपसंद चीज़ आपने ले ली है। कई बंदे सक्सेस होते हैं इसमें, बाकी 90% इसमें फेल हो जाते हैं लोग, मैं भी हुआ था। तो जब आपने
लेकिन उस पर एक सोच रखनी पड़ती है, आपका टाइम आपने बिजनेस को देना, बस टाइम की मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को टाइम नहीं दिया था भाई, वो बता रहा हूँ। उसके ऊपर ही बात है, टाइम जब तक आपने छोड़ा नहीं तो बिजनेस आपको माला माल करेगा, ठीक है जी। तो ये बात है, वो एक गुना जो आपका मनपसंद कुछ भी है ना बिजनेस में, वो आपको 10 गुना नीचे लेके जाएगा। नेगेटिव थॉट है ये, लेकिन अच्छी बातें हैं, कोई बंदा उसी चीज़ से मोटिवेट होके वो पास हो जाता है, ये बात होती है। तो मैं उसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाया, उसी चीज़ के चलते थोड़ी दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, फिर मैं अपने पे खड़ा ही होगा, आज मैं खड़ा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बंदा गिरता है खड़ा हो जाता है, गिरता है खड़ा हो जाता है, ठोकर लगती है, फिर बचपन में हम गिरते थे पड़ते थे, अपना कपड़े झाड़ के फिर उठ जाते थे, फिर भागते थे, फिर काम ऐसे ही खेलते रहते थे, फिर भी चोट लग गई फिर भी खेलते रहते हैं बच्चे, आपने देखी है, आपका भी हमारा भी बचपन था। तो ये सारी चीज़ें जो बिजनेस को अगर ऊंचे लेवल पर लेके जाना है तो टाइम देना है बिजनेस को, उठना है सुबह सही से, और भाई जो बजट से बाहर है वो कम से कम लोग उसमें बिलीव करें तो बेहतर है। बिजनेस आपका ग्रो करेगा जब तक आप अच्छे माइंड के साथ, अच्छी एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि भाई बंदे हाँ मैं कर सकता हूँ इसको, वो आपको वहाँ तक लेके जाएगी। जब जो बंदा ये बोलता नहीं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो मेरे अंदर यही टैलेंट था भाई, मैं देखो भाई अपने आप की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक ही मतलब था कि भाई काम से मतलब था, पैसे से मतलब था, कि भाई जिसके साथ में राम राम कर ली, राम राम भाई, राम राम बस, अगले ने पूछा कोई सवाल का जवाब दे दिया, नहीं तो मैं किसी को छेड़ता नहीं था ऐसे ही, भाई ये हो गया वो हो गया, किसी के साथ हंसता बोलता भी नहीं था, अपने काम से मतलब था। मेरे को बहुत ज़्यादा जुनून था भाई पैसे का, कि भाई ये करना है, गाड़ी लेनी है, आज तक गाड़ी नहीं ले पाया जब वो चीज़ आज मैं छोड़ भी चुका हूँ, अब दोबारा से फिर लाइन में आया हूँ। अब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता ही रहेगा, ठोकर खाली गिर गए फिर भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। मैंने अपने आप को भी बुला दिया और वही बिजनेस को भी भूल गया, और जो मेरी लाइन थी मैंने वो भी छोड़ दिया, जो मेरा स्टैंड था वो भी छोड़ दिया, जो बंदे नेगेटिव बंदे मेरे साथ में बैठने लग गए, अब मैं खुद इन्वॉल्व हो गया, उनकी जो संगत होती है वो आपको बिगाड़ती है, मैं ऐसी संगत में शामिल हो गया जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मतलब दूर से भी नहीं देख के राजी था, दूर से भी देख के खुश नहीं था, जिस संगत को मैं उस संगत में जाके फंस गया, नेगेटिविटी वाली में, जो बंदा खींचता ही रहा, मैंने 100 बार भला किया, फिर 1000 बार अगले ने खींचा, तोड़ के रखा, सब कुछ गंदे काम हुए। तो आपको बिजनेस की पूरी भाषा मैंने समझा दी, ऐसे सक्सेस होना है। इस भाई को गंदे लगे तो भाई बता देना, फिर भी बता देना, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको सही लगे तो भाई लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। ऐसी एक्टिविटी मेरे अंदर थी, मैं कुछ भी चीज़ अचीव कर लेता था, कुछ भी चीज़ खरीद लेता था, कुछ भी चीज़ ले लेता था, और लोग भाई मेरी तरफ देखते थे, ये एक मान महसूस करने वाली बात है मेरे ऊपर, मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि भाई मैं ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज जो बीते हुए दिन हैं, आपको दिमाग में, आपके दिल में याद होने चाहिए कि भाई हाँ मैं ऐसा भी था, मैं ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन नहीं बन सकता, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हो गई थी, संगत ऐसी गलत हो गई थी कि भाई बिल्कुल माइंड से सब कुछ गायब हो गया। लेकिन आज कोशिश कर रहा हूँ बार बार स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी इतना हो गया है कि मैं हर चीज़ सोच के भी लूँ तब भी वो बढ़िया होगी, बगैर सोचे भी लूँ वो तब भी बढ़िया हो रही है, क्योंकि माइंड सेट करना पड़ता है, ठीक है जी। ये जानकारी है जी आप लोगों के लिए, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर कर देना जी भाई, जो भाई अपना आपके जैसे मेरे जैसे जो कुछ करना चाहते हैं और जो फेल हो चुके हैं उनको भी दिखा देना कि भाई ऐसे भी हो सकता है, फेल भी हो सकते हो आप। भाई 2 किलो घी ले आया भाई, तो खाना खा लिया जी, जिसे हम खाना मंगवाते हैं ना इसे तो खाते नहीं, इसको तो कई दिन से वो सस्ता खाना है, 70 रुपये में खाना आता है, तो वो कई दिन से चरचरा खाना, मतलब लाल मिर्ची डालता है वो, हरी भी डालता है लेकिन तेज डालता है, लेकिन रोटी बढ़िया है उसकी, मेरे को कई दिन से मिर्च ज़्यादा लग रही थी, अब जब से आया हूँ मैं भाई मैं नहीं खाऊंगा इसका खाना। फिर बच्चन भाई साहब बोले कि भाई घी ले आ, तो मैं 2 किलो एक उनका एक मेरा। तो चलिए जी, कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।